एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक सकेट में स्थित घुमरिया गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने सीमा देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 4000 की आबादी एवं 1715 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 525 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 225 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा एक हैंडपंप रिवोल कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 60 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, 1 खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व तालाब का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान, शमशान घाट की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। बलवीर सिंह त्रिभुवनपति, ग्राम पंचायत घुमरिया, विकास खंड सकीप, जनपद। मैंने अपनी प्रधानी में जब से मैंने कार्य कराए तब से 9 गली सीसी, 1 गली खड़ंजा, तालाब और नलबंदी चलागा, 45 शौचालय और 4 प्रधानमंत्री आवास। मेरी ग्राम पंचायत में कोई बरात घर है, न कोई पंचायत घर है और न शमशान घाट का सुंदरीकरण है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में ये कराने की कृपा करें।